हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ मामी एंड वेलकम बैक टू मेरे साथ। और अभी रियान आया था और उसने मुझे कहा कि नूडल्स खाने हैं उसको, तो घर में सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो चलिए बनाते हैं हम नूडल्स। और आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह, मैं भी शाम को या फिर रात को ही बनाती हूँ, लेकिन उसका मन है आज सुबह सुबह खाने का, तो दोनों बच्चों के लिए मैं नूडल्स बनाऊंगी और हस्बैंड के लिए मीठे पोहे या फिर पोहे का उपमा ऐसा कुछ बना दूंगी। तो रियान एक ऐसा बंदा है, अगर उसको उसके मन के मुताबिक आप कुछ चीज़ें खाने को ना दो तो वो कुछ कहेगा नहीं, लेकिन वो खाएगा भी नहीं। तो मैं ट्राई करती हूँ कि जितना हो सके मैं उसके मन के हिसाब से ही बना दूँ। और आयान मेरा स्वीट सा बच्चा, उसको कुछ भी दे दो आप, उपमा दे दो, मीठे पोहे दे दो, पराठा दे दो, पुड़िया दे दो, कुछ भी दे दो, वो इजीली मतलब बहुत चाव से इंजॉय करता है। लेकिन रियान, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ती है। उससे मैं रोज़ पूछती हूँ कि ये खाएगा, क्या खाएगा, ये नहीं खाएगा, क्या खाएगा इसके बदले, मतलब ऐसा है। और घर में ज़्यादातर हमारे ऐसा होता है कि लंच हो, डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो, तो वो रियान के हिसाब से ही बनता है। 90% ऑफ टाइम उसके हिसाब से बनता है और बाकी 10% मेरे हस्बैंड और मेरा छोटा बच्चा, क्योंकि ये सारी चीज़ें खा लेते हैं, रियान को नहीं पसंद सारी चीज़ें। तो चलिए बनाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी चाय इंजॉय कर लूँ, क्योंकि हाफ पी लिया है और ये हाफ बचा है। मुझे ना ठंडी ठंडी चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, गर्म मुझे नहीं पसंद। तो चलिए एकदम इजी सी मेथड में बताऊंगी मैं, एकदम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो मैं हूँ किचन में और मैं दिखाती हूँ आपको कि इसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन चाहिए। पहले तो है ये बंद गोभी, इसको एकदम पतले पतले और लंबे लंबे साइज में कट कर लिया है। और उसके बाद है ये गाजर, गाजर को भी आप देख सकते हैं एकदम पतले पतले और लंबे लंबे, और शिमला मिर्च को भी सेम और अदरक को भी सेम, ठीक है। आप थोड़ा सा भी मोटा यूज़ मत कीजिए, एकदम पतले पतले साइज में ही कट कीजिए, टेस्ट में वाकई फ़र्क आता है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं कुकिंग प्रोसेस। तो जी यहाँ पे मैंने एक बड़े से भगोने में लिया है पानी, जैसे ही खोलना स्टार्ट हो शामिल किया है नूडल्स। इसको 80% तक ही कुक करना है, यानी खड़ा खड़ा, वरना सौगी सौगी हो जाता है पूरा बनने के बाद। तो नूडल्स को अच्छे से छानने के बाद मैंने इसमें शामिल किया है 2 टेबलस्पून ऑयल एंड सॉल्ट टू टेस्ट एंड सोया सॉस लगभग 3 टेबलस्पून। और सिंपली इसको मैं ऐसे ही मिक्स करती हूँ। गरम है, संभल के, अगर आप हाथों से कर रहे हैं तो ज़रा संभल के कीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है इस वक्त। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाला है 2 टेबलस्पून ऑयल, अदरक के बाद गाजरे, बंद गोभी एंड शिमला मिर्च। इसके साथ ही तुरंत मैंने यहाँ पे शामिल किया है चाइना सॉल्ट, यानी कि अजीनोमोटो, चाउमीन मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर एंड ग्रीन चिली सॉस। ये सारा काम आपको हाई फ्लेम पे ही करना है और इसको अभी सौते करेंगे, एकदम रुकना नहीं है बिल्कुल भी, और बस 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। और इसके बाद शामिल कर दें वो नूडल्स जो कि हमने रेडी करके रखा था। यहाँ पे मैं नमक शामिल नहीं कर रही, क्योंकि चाउमीन मसाला में जो है वो ऑलरेडी नमक डला हुआ होता है। अगर आपके पास चाउमीन मसाला नहीं है तो आप इसके जगह धनिया पाउडर एंड सॉल्ट टू टेस्ट यहाँ पे आप शामिल कर दें। प्याज और जो बीटरूट है वो भी यहाँ पे हम डाल सकते हैं, लेकिन रियान को नहीं पसंद इसलिए मैंने स्किप किया है। बस इसको अच्छे से मिक्स कर देने हैं और इसके बाद रेडी है चटपटा नूडल्स। The next day. तो जी गुड मॉर्निंग, हो गई है अगले दिन की सुबह और इसके साथ ही शुरू होने वाला है मेरा कुछ डेली रूटीन्स, जैसे कि मैं रोज़ाना करती हूँ वैसे कुछ काम।
तो जी ये है पीताम्बरी, ये 1 किलो है और आसानी से 2 महीने जल जाते हैं इसमें। सबको पता है इसका यूज़, लेकिन इसमें और क्या चीज़ें साफ़ हो सकती है वो भी बताऊंगी मैं। और ये है पूजा के बर्तन जो कि मैंने डिटर्जेंट बार से साफ़ किया है और ये अच्छे से साफ़ भी है, लेकिन इसमें चमक नहीं है। और मैं आपको दिखाने के लिए डिटर्जेंट बार में इसको साफ़ किया है, वरना मैं सिर्फ पीताम्बरी से ही साफ़ करती हूँ। और हाथों से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि स्कॉच ब्राइट जो है उससे जूठे बर्तन की सफाई होती है, तो इसलिए बहुत बार मैंने ट्राई भी किया कि अलग से एक स्कॉच ब्राइट रखूँ, लेकिन मिक्स ही हो जाते थे, इसलिए मैंने कोशिश करना भी छोड़ दिया और हाथों से ही करती हूँ। और इसमें सिर्फ पूजा के ही बर्तन साफ़ नहीं होते, एल्यूमिनियम के भी बर्तन साफ़ होते हैं। और एक बार क्या हुआ था कि मेरे मायके में जो है वो वहाँ का वाटर जो है वो एकदम से हार्ड वाटर है, तो कुछ मेरे यहाँ से बर्तन गए थे वहाँ पे और जिसमें हार्ड वाटर के पूरा ज़िद्दी दाग जो है वो लगे हुए थे, और वो डिटर्जेंट में साफ़ करने के बाद भी डिटर्जेंट टिकिया से उसकी जो दाग की मार्क्स हैं वो नहीं छूट रहे थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि ये पीताम्बरी मैं पूजा के बर्तन साफ़ करने के बाद थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने सोचा कि इसको मैं फेंकती नहीं हूँ, बस ऐसे ही। मुझे पता नहीं था इसका यूज़ एक्चुअली कि ये मतलब एल्यूमिनियम में भी काम करता है। तो इसमें मैंने क्या किया कि वो पीताम्बरी थोड़ा सा लिख के मैंने वहाँ पर घिस दिया, तो मुझे मतलब मैं शौक हो गई कि जिस दाग को मैं हटाने के लिए इतने दिनों से कोशिश कर रही थी, रगड़ रगड़ के बिल्कुल भी साफ़ नहीं हो रहे थे। बस वो एक ही बार मैंने उसमें स्वैप किया था कि बस इसलिए कि इसको फेंको ना, यूज़ में आ जाए। इसका यूज़ मुझे पता ही ना था कि मतलब इतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा, तो मैंने ऐसे ही स्वैप कर लिया एक बार और मैंने देखा कि वो ज़िद्दी दाग निकल गए। तो तभी से अगर मैं कभी भी बच जाते हैं पूजा के बर्तन साफ़ करते हुए थोड़ा सा पीताम्बरी, तो मैं वो एल्यूमिनियम के कुछ भी मतलब मैं तो कढ़ाई वगैरह यूज़ करती हूँ ना, तो उसी में ही साफ़ कर देती हूँ। और ये मैं कभी नेक्स्ट अपनी वीडियो में मैं बताऊंगी और दिखाऊंगी कि कैसे साफ़ होती है। पहले जो हैं बर्तन साफ़ थे, लेकिन अभी ये चमक रहे हैं। ये कपड़े कल रात के सूख रहे थे और इसको मैं ले आई और इसके साथ एक लोड और मुझे अभी सुखाना था, तो वो भी सुखा रही थी। और इतना धूप और ऊपर से मैं थी छत में, दुपट्टा पास में था नहीं, तो एसी ऑन करते वक्त जो मैं अपना शॉल यूज़ करती हूँ वो ओढ़ के मैं छत पे चली गई थी। और यकीन मानिए मेरे गले के पीछे इतना मतलब पसीना था कि तुरंत ही मैंने सब कुछ बंद करके एसी ऑन करके अभी मैंने जो कपड़े हैं वो फोल्ड कर रही हूँ। हाँ, तो एक बात और, रोज़ाना के कपड़े भी अगर हम प्रेस की तरह फोल्ड करेंगे तो प्रेस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और जब पहनो तो यूनिफॉर्म भी लगता है। और इतना ही नहीं, कबर्स भी जो है हमारे वो मॉल की तरह वेल सेटल लगता है। और ये आदत मुझे बचपन से ही है। एंड अगेन मेरी जो फ्रेंड है मुल्की, वो कहा करती थी कि रोज़ाना के कपड़े भी ऐसे रखती हो और मेरी एक और फ्रेंड है कृष्णा, वो तो अपना अलमारी छुपाती थी मुझसे कि कहीं डांट ना पड़ जाए मुझसे कि अलमारी खोलूं और सारा कपड़ा जो है वो अपने ऊपर। तो फिर अभी अगर वो दोनों ये ब्लॉग देख रहे हैं तो उनको ये बातें याद आ गई होगी, मुझे तो याद है।
और कुछ कपड़े ऐसे भी हैं जिसको मैं ऐसे रैंडमली ही फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि इसको आयन करना है। एक बार अगर सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे तय होके रहे तो फिर मुझे सहूलियत होती है क्योंकि फिर बच्चों को मतलब चिल्लाना नहीं पड़ता कि माँ ये कहाँ पे है वो कहाँ पे है। जिस दिन कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा नहीं कि हर वक्त मतलब सारी चीज़ें तय होके रहती है, नहीं कभी 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 तबीयत ख़राब हुआ, कभी कुछ और काम आ गया तो ऐसे ही मैं बेड पे रख देती हूँ सारी कपड़े। और यकीन माने उसी दिन किसी को कुछ भी नहीं मिलता, हस्बैंड को रुमाल नहीं मिलता, रियान को अंडरवेयर नहीं मिलता, आयान को अपना सॉक्स नहीं मिलता, किसी को कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कपड़े कम से कम अपनी जगह पे मतलब ये काम कभी भी बाकी ना रहे। इसके बाद फिर मैं गई लंच बनाने और आज सब्जी ख़त्म हो गए थे इसलिए मैंने दाल फ्राई, चावल, उसके साथ बरबटी और प्याज का भुजिया, सैलेड, पापड़ और दही, ये खाना है मेरे आयान के लिए। आज मुझे काफ़ी ज़्यादा काम था इसलिए मैं उसको खिला नहीं पाई, वरना ऐसा होता है कि मैं खिलाती हूँ, मेरे हाथों से कुछ ज़्यादा ही खाते हैं इसलिए मुझे अच्छा लगता है अपने हाथों से खिलाना। इसलिए आज मैंने थोड़ा सा दिया क्योंकि वो अपने हाथ से खाएगा, पता नहीं ये भी पूरा फिनिश कर पाएगा या नहीं। लेकिन हालांकि ये तो बाद में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, उसने खा लिया था। और इसके बाद फिर मैं आ गई, अपना एक बेडशीट मुझे सेटअप करना था। बेडशीट कैसे बिछाते हैं ये मैंने पहले भी शेयर किया था और इस बार बस मैं कर रही हूँ तो फिर शूट कर लिया तो इक्लिप्स था तो फिर मैंने दिखा दिया। और आप मेरी वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि कैसा लगा, क्या मुझे और करना चाहिए, कमेंट कीजिएगा। तो यही था आज का पूरा ब्लॉग। इसके आगे मैं मतलब मेरा आफ्टरनून रूटीन क्या होता है एंड नाइट रूटीन क्या होती है, इवनिंग रूटीन क्या होती है, वो मैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में वो शेयर करूँगी मैं आप लोगों के साथ। तो आज के लिए इतना ही, बने रहे मेरे साथ, जुड़े रहे मेरे साथ और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द ही अपने नए ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।